अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन व्यू टेक। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हर आने वाली इन वीडियो अब तक पहुंचती रहे। आज हम सीखेंगे एपीके क्या है। एपीके का मतलब होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक फाइल फॉर्मेट है जो मोबाइल एप्लीकेशंस की नीड और इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद एक डेवलपर अपनी ऐप के लिए कोड लिखता है, रिसोर्सेस को इजाफा करता है और फिर इनिडरवाइड स्टूडियो की मदद से फाइल को डेवलप करता। सादा अल्फाज में एपीके एक ऐप की तरह होती है। अगर हम फाइल के को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें तो उसको हम ऐप कहते हैं। इसी तरह अगर हम फाइल के को गूगल से इंस्टॉल करें तो इसको एपीके कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल यूजर ज्यादातर एप्स ही यूज करते हैं क्योंकि एपीके के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसी तरह ज्यादातर डेस्कटॉप यानी लैपटॉप यूज करने वाले एपीके को यूज करते हैं। मोबाइल यूजर कभी भी प्ले स्टोर से एपीके को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसी तरह ऐप गूगल में मौजूद नहीं होती है, इसीलिए डेस्कटॉप यूजर उसको ज्यादा इस्तेमाल करती हैं क्योंकि लैपटॉप में प्ले स्टोर के अकाउंट इशू होते हैं जिसकी वजह से डेस्कटॉप यूजर एपीके को इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो टूल की मदद से बॉक्स और कंटेनर की शक्ल में डेटा सेव होता है, इसको हम एपीके कहते हैं। एपीके फाइल कोडिंग से डेवलप होती है जिसको डेवलपर कोड से क्रिएट करता है। एक एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करने के दो बुनियादी तरीके हैं। एक, गूगल से आप एक ऐप की एपीके फाइल को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर में ऐप का नाम अमवाद तलाश करना होता है और फिर ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना होता है। दो, प्ले स्टोर से दूसरा तरीका है कि आप प्ले स्टोर से ही ऐप को इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर मोबाइल की मखसूस एप्लीकेशन स्टोर है जहां आप मुख्तलिफ एप्स को तलाश कर सकते हैं, उनकी तफसीलात देख सकते हैं और उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सिर्फ प्ले स्टोर में ऐप का नाम तलाश करना होता है और फिर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना होता है। ये दोनों तरीके बहुत आसान हैं और मोबाइल या टैबलेट पर एप्स को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेटा वर्जन का मतलब है कि यूजर की जरूरतों के मुताबिक ऐप को डेवलप या अपडेट करना है और ये मैन्युअली अपडेट किया जाता है और प्राइवेसी की खातिर भी ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपीके की कीवर्ड रिसर्च देखेंगे।